संज्ञा के भेद, आज हम लोग संज्ञा का भेद पढ़ेंगे। बच्चों आज मैं आपको द्विगुवाचक संज्ञा के संबंध में जानकारी दूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी परिभाषा है, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थ या सामग्री, ठीक है बच्चों, तो पदार्थ या सामग्री या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न, लोहा, नमक, पीतल, तेल, कोयला, घी, जस्ता, इस प्रकार से बच्चों बहुत सारे जितनी भी चीजें पदार्थ या द्रव्य हो सकती है, मतलब द्विगुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब इसी प्रकार से देखो, जैसे आप हम कुछ वाक्य बना रहे हैं आपके लिए, जैसे मैंने सोने के आभूषण खरीदे, घर में आपके मम्मी पापा भी कहते हैं, मम्मी भी कहते हैं कि आभूषण लेना है, तो सोने, यहाँ पर जो सोना शब्द है गोल्ड, ये जो है द्विगुवाचक संज्ञा है। लाच है, दूसरा डिब्बे में देसी घी है, तो घी ही जो बच्चों ये द्विगुवाचक संज्ञा होती है। अंतिम है, चावल की फसल अच्छी है, हमने आपको अन्न के विषय में बताया था, तो चावल अन्न होता है, चावल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बच्चों अब मुझे लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा, बहुत अच्छे। अब आप लोग इसको अच्छे से उतारें। मैंने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में अच्छी जानकारी दे दी थी कि ऐसे संज्ञा शब्द या वे शब्द जिनमें द्रव्य, सामग्री, पदार्थ का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके विषय मैंने आपको जानकारी दी। आज मैं आपको उसी समय कुछ अभ्यास कार्य करवा रहा हूं, जिसे कुछ वाक्य है, इससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला वाक्य है, यह चांदी का गिलास है। तो देखिए यहां पर चांदी, यहां पर चांदी शब्द जो है क्या है, ये द्रव्य है ना, तो बच्चों ये चांदी शब्द यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए दूसरा वाक्य देखिए, गेहूं की फसल अच्छी है, गेहूं की फसल अच्छी है। अब इस द्रव्यवाचक शब्द कौन सा है? अच्छी, गेहूं, बहुत सुंदर गेहूं। आगे है, यह मेज लोहे की है। कितने बच्चों को आप याद करिए, आप समझ गए इसका मतलब। तो बच्चों ये मेज लोहे की है, इसमें लोहा, लोहे से बनी है मेज, तो पदार्थ क्या है, द्रव्य है, और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है लोहे। आगे देखिए, सोने के दाम घट गए हैं। आप न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं, सोने के दाम बढ़ गए, कभी चांदी के दाम घट गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। इस प्रकार से सोना क्या है, पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। मोहन का घर लकड़ी का बना है, तो इसमें बताइए, मोहन बताइए, लकड़ी, तो बच्चों यहाँ पर लकड़ी जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब समझ में आ गया? मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सोना, चांदी, अभ्रक, मैटील, लकड़ी, तेल, घी, जितना भी ये पदार्थ है, अनाज, अन्न, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब सभी को समझ में आ गया? Yes, sir.